सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो आज के सेशन में uh, जो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर एस वॉलोज पहला जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विथ पक्के टाइगर रिजर्व सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिलिम्स स्पेसिफिक जो प्रश्न है इसके अंदर आपका फ्रेम हो सकता है सो वील डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट दिस टाइगर रिजर्व एज वेल well. तो प्रिलम्स में जो uh, के लिए ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है नेक्स्ट uh, इज नेक्स्ट uh, जो है दिस इज डिजिटल जस्टिस डिलीवरी फेस थ्री ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अगेन द इशू रिलेटेड विथ प्राइवेसी यहाँ पे अराइज हुआ है सो so, ये भी एक टॉपिक बन जाता है सो दिस इज़ रिलेटेड विद पॉलिटी दिस इज़ अगेन अ प्रिलिम्स टॉपिक टैक्सेशन इन डिजिटल स्पेस ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन इन डिजिटल स्पेस यू कैन से ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का हो सकता इस पे है इस पर ऑलरेडी दो आर्टिकल्स वी हैव डिस्कस्ड कुछ नए एरियाज हैं ग्लोबलाइजेशन एंड वी कैन से जो ग्लोबलाइजेशन है एंड डिस्टाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या चैलेंजेस है ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल क्योंकि इस पर प्रश्न आपका बे, बन भी सकता है और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है हेल्थ केयर बर्डन इन साउथ एशिया तो कुछ आर्गूमेंट्स है साउथ एशिया से रिलेटेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में सोशल ऑडियो एक कंसेप्ट है ये भी एक पॉइंट इस समय रेस किया जा रहा है तो वी विल ट्राई टू तो अंडरस्टैंड ये टेक्नोलॉजी और पॉलिटी के टॉपिक्स को लिंक करके आपका प्रश्न आपका बन सकता है यूएस इनोवेशन बिल आईआर के अंदर एक टॉपिक बन सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इकोनॉमी के अंदर ये टॉपिक बन सकता है राइज इन एम इन जनरल इन्फॉर्मेशन है तो आर्ग्यूमेंट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी टॉपिक और फिर दो टॉपिक्स प्रिलिम्स के हैं। और एक टॉपिक आपका मेन्स का जो क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है इस टॉपिक पर Uh, वो है सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नेम इज सौरभ पांडे आए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अन से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हो तो उन सभी की लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं तो आप लाइव क्लासेस अटेंड करें उसके अलावा आई टेक करेंट अफेयर्स और मेरे द्वारा जो एक ऑप्शनल लिया जा रहा है जो कि लॉन्च हो रहा है दैट इज़ एग्रीकल्चर ऑप्शनल सो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं या आई के लिए भी आपके लिए रास्ता ओपन कर देगा भी कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं तो उनका आप बेनिफिट उठाओ और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स में हर महीने फर्स्ट को आपका होता है तो अन में तो जाना है यू हैव टू यूज़ द एस पी ये कोड आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी आप सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर टेकिंग टेकिंग तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉर एग्ज़ाम्पल फिर यूजिंग दिस कोड एस पी एल आईवी ई सारे जितने भी आप देख रहे हो तो उसके लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप जाके लिंक पे क्लिक करना है कोड यूज़ करना दैट इज एस पी एल आई वी अमाउंट विल रिड्यूस बाय थर्टी फाइव परसेंट इफ यू आर टेकिंग कॉम्बो कॉम्बो मतलब जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल कंबाइंड आप लेते हो और इसमें आप मेरे कोर्सेज प्लस सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर आपको इंक्लूडेड है बीस बुकलेट्स मिलेंगे आपके पास लोन का भी फैसिलिटी है जीरो इंटरेस्ट रेट पर तो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सब आपके मैंटर्स होंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें Uh, uh, मेरे कोर्सेज इसके अलावा बैच कोर्सेज जितने आएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दूसरे इंडिविजुअल कोर्सेज़ टेस्ट सीरीज हर चीज़ आपके लिए इंक्लूडेड है और अभी ऑफर भी चल रहा है तो इसका भी आप बेनिफिट उठाओ अगर इफ़ यू आर टेकिंग कॉम्बो तो इसमें एक्सटेंशन है फोर मंथ मतलब जब तक आपका प्रिलिम्स होगा uh, अगर वो एक्सटेंड भी होता तब भी आपका ऑटोमेटिकली आपका, आपका जो सब्सक्रिप्शन uh, है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा अन एकेडमी का भी आप हिस्सा बने जो कि हर संडे को 11 बजे होता है तो इस इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड रैंक अगर आपके अच्छे रैंक आ रही है तो आप इसमें स्कॉलरशिप जीत सकते हैं सो लेट स्टार्ट अच्छा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें कल आपकी क्लास थी एक सो so, उसमें हमने कई टॉपिक डिस्कस किया आज चार बजे से आई एम स्टार्टिंग जी सी लियोंग जी सी लियोंग के ऊपर अन अकेडमी में फ्री क्लासेस जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था सो so, आई एम स्टार्टिंग जी सी लियंग पर ये क्लास आपकी होगी आपको ज्वाइन करना है लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो जी सी लियॉन्ग आप जरूर से इसका हिस्सा बनो और अराउंड टेन टू तो ट्वेल्व क्लासेस में आपकी पूरी जो जी सी लियॉन्ग है आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और ये पूरा कवर हो जाएगी सो लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर ठीक है और अगेन दिस इज़ बुक दिस बुक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक देखते हैं पक्के टाइगर रिजर्व कंटीजेंसी वर्कर्स को ऑन स्ट्राइक तो मतलब मेनली जो वेजेज़ हैं उसके पेमेंट में डिले हो रहा है इस वजह से Uh, जो स्ट्राइक है वो की जा रही है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है सो so ये uh, इस टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं और uh, ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट इज़ नोन फॉर ये जो बर्ड है इस बर्ड के लिए भी इसे हॉर्नबिल स्पीसीज़ की जो है बर्ड है इसके लिए भी ये टाइगर रिजर्व आपका जाना जाता है अब ये आपको याद रखना कि ये टाइगर रिजर्व है तो टाइगर के लिए तो जाना ही जाएगा अब ऐसा डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि पक्के टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है तो टाइगर तो है ही लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हॉर्नबिल जो ये बर्ड है इसके लिए भी आपका ये जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखते हैं द प्रोम एंड द पेरल्स ऑफ द ऑफ डिजिटल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और हर चीज़ आज के समय में क्योंकि ये टॉपिक आपका पॉलिटी और टेक्नोलॉजी दो चीज़ों को लिंक कर रहा है आज के समय में हर चीज़ अगर आप देखोगे तो उसको लिंक किया जा रहा है टेक्नोलॉजीज के माध्यम से या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज़ है वो आपका कंटिन्यूस बेसिस पर हो रहा है ई जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नमेंट हो रही है सिटीजन्स है वो ई सिटीजन्स हो रहे हैं हेल्थ केयर है वो ई हेल्थ हो रहा है एजुकेशन है वो ई हेल्थ हो रहा है एजुकेशन है वो ई एजुकेशन आपका हो रहा है तो हर लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखो तो गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसके कुछ प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग होती है डेली बेसिस पे आप चाहे तो देख भी सकते हो तो जो कोर्ट है ये कोर्ट आपके ई कोर्ट आपके हो रहे हैं तो अलग अलग फेस में ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो ऑनरेबल को कोर्ट की कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये जो कमेटी का गठन भी किया गया था तो अलग अलग फेसेस पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल किया गया अब जो फ़ेज़ थ्री है इस फेज़ थ्री में फ़र्दर फर्दर, फर्दर एक्सपेंड आपका किया जा रहा है और खास तौर से अगर आप देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे अगर आज आपको आपको देखना है तो ऑनलाइन आप देख सकते हो कि आज कौन कौन से केसेस हैं आप का या किसी से भी रिलेटेड केसेस है तो वो उसके नेक्स्ट हियरिंग कब है ये सब कुछ ऑनलाइन आज के समय मिल जाता है लेकिन क्या जो फेस थ्री है जो फेस थ्री इसके बियॉन्ड जाना चाह रहा है मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन वो तो डिजिटाइज करो ये तो एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है लेकिन अब जो ज़रूरी क्या है कि इज़ इट पॉसिबल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय में जो ये ई कोर्ट्स हैं ई कोर्ट्स के माध्यम से क्या है ई e कोर्ट के माध्यम से ये है कि जो जजेज़ uh, हैं जजेज हैं जिसने जिसका केस है और लॉयर्स हैं वो आपस में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और जो क्रिस केस की प्रोसीडिंग है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे आज के समय में अगर आप लॉयर्स देखो जजेस देखो या जो जिसका केस चल रहा है आज के समय में कई सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या ई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की जा रही है गुजरात हाई कोर्ट का एक एग्जांपल और भी कई हाई कोर्ट्स है जहाँ पे किया जा रहा है तो इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो भी ये प्रोसीडिंग की जा रही है उसमें या तो जूम का इस्तेमाल किया जाए गूगल मीट का इस्तेमाल किया जाए लेकिन इतनी बड़ी जब प्रोसीडिंग है या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल जनरल केस है तब तो ठीक है लेकिन बड़े केसेस होते हैं उस उ, उस कंडीशन में क्या जो डिफरेंट एप्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सेफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है या तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कदम उठाए या फिर कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाया जाए कि एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट किया जाए जहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स की जा सकें लॉयर्स भी जुड़ पाएँ जजेस भी जुड़ पाएँ जिनका केस है वो जुड़ पाएँ विटनेसेस है वो जुड़ पाएँ ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी और इसका बेनिफिट भी काफ़ी अधिक है इसका बेनिफिट ये है कि जैसे इवन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो हमेशा से ये कंसर्न रहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सेकंड सीट एक साउथ में भी होनी चाहिए क्योंकि साउथ में अगर किसी का किसी मतलब सदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया अगर वहाँ किसी का केस है तो उसको दिल्ली तक आना पड़ता है दिल्ली के आने के बाद उसे लोकल जो लॉयर है वो लेना पड़ता है वहाँ रुकना पड़ता है तो बहुत कॉस्ट उसके लिए बढ़ जाता है तो जस्टिस के लिए उसका जो कॉस्ट है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ई e कोर्ट्स और अच्छे से कर पाएँ और डिजिटल इनक्वलिटी को दूर करते हुए डिजिटल इलिट्रेसी को दूर करते हुए अगर ये प्रयास किया जाए तो कहीं हद तक जो एक इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो इंक्लूसिवनेस है जस्टिस डिलीवरी के अंदर उसको वी कैन एंश्योर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इतने सारे केसेस जो डेटा आप कोट कर सकते हो अराउंड थ्री करोड़ केसेस पेंडिंग है बिफोर इंडियन कोर्ट्स ऑफ विच एट्टी फाइव थाउजेंड ऐसे केसेस केसे हैं जो तीस साल पुराने हैं ई कमिटी ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज एक ड्राफ्ट विज़न और फॉर फेज थ्री ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट इसमें फेज़ वन एंड फेज टू हैड डेल्ट विद डिजिटाइजेशन ऑफ द जुडिशरी ई फाइलिंग ट्रैकिंग केसेस ऑनलाइन अपलोडिंग जज जजमेंट्स ऑनलाइन तो फेज वन और फेज़ टू में मेनली जो प्रोसीजरल चीज़ें थी उसको डिजिटाइज किया गया जैसे केस ई फाइलिंग आप केस ऑनलाइन uh, फाइल कर सकते हो अपने केसेस को ऑनलाइन जब आपको पूछना नहीं कि मेरी डेट कब है आप ऑनलाइन देख सकते हो कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग कब है जो भी जजमेंट आता है उसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो जैसे पी है उस फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हो तो ये फेस वन और फेस टू में ये इंश्योर किया गया और फेस थ्री में वी आर मूविंग बियॉन्ड इसका मतलब जो ऑनरेबल कोर्ट है वो आगे की सोच रहे हैं so यहाँ पे डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसेस एंड प्लान टू अपग्रेड द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये जो फेज थ्री है इस फेज थ्री में जो पूरा का पूरा कोर्ट प्रोसेस है उस कोर्ट प्रोसेस को डिजिटाइज किया जाए और ई इंफ्रास्ट्रक्चर उस ई इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए इस पर फोकस आपका किया गया जो अप्रोच फॉलो की गई यहां पे जो अप्रोच फॉलो की गई इसको कहा गया है इकोसिस्टम अप्रोच इकोसिस्टम अप्रोच इको सिस्टम अप्रोच टू जस्टिस डिलीवरी। एको सिस्टम अप्रोच टू डिजिटल टू जस्टिस डिलीवरी, इट मीन्स कि डिफरेंट ये जो जुडिशरी है जुडिशरी एक ऐसा डेटा बेस जनरेट किया जाए एक ऐसा सिस्टम uh, जनरेट किया जाए जहाँ पे डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जुडिशरी पुलिस uh, प्रिजन सिस्टम इंटरऑपरेबल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये सब एक दूसरे से लिंक्ड रहे क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट है कोर्ट uh, है प्रिजन uh, सिस्टम है पुलिस है और ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और भी डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हो सारा का सारा डेटा आपस में शेयर हो सके फॉर uh, एग्जांपल अगर एफआईआर फाइल हुई है अब वो एफआईआर फाइल हुई है चार्ज शीट आ रही है फिर क्या प्रोसीडिंग्स हैं क्या आगे चीज़ें चल रही हैं ये चीज़ें एक्सेस की जा सके जो भी जिसको सज़ा दी गई है वो प्रिजन में है कौन से प्रिजन में है क्या स्थिति है uh, कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं मतलब क्योंकि पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आप देखोगे तो उसमें जुडिशरी एक हिस्सा बन जाती है है, आपका पुलिस एक सिस्टम एक हिस्सा बन जाती है प्रिजन सिस्टम एक हिस्सा बन जाता है तो ये पूरा का पूरा जो इको सिस्टम अप्रोच है इस इको सिस्टम अप्रोच पर फोकस किया गया है वट वी कॉल इट एज ये फेज थ्री है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का ये पॉइंट आपको याद रखना है जो फेज थ्री है ई कोर्ट प्रोजेक्ट का दूसरा पॉइंट कहा गया कि देखो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं अभी क्या है कि अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफ़िस को विजिट करोगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफ़िस को विज़िट करो या कोर्ट्स को विजिट करो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को विज़िट करो आपने एक मूवी भी देखी होगी जॉली एल करके तो उसमें जैसे कोर्ट रूम होते हैं उसमें कितनी सारी फ़ाइल पर फाइल इतनी सारी रखी रहती हैं और वो फाइल्स काफ़ी समय तक रहती रहती हैं अगर कोई कुछ भी होता है जैसे मान लो फायर हो गया फायर मतलब आग लग गई तो वो पूरा जितने भी एविडेंसेस सा है सारा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें डिजिटाइज़ किए जाएँ अगर डिजिटाइज़ किया जाएगा मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ई e फाइलिंग ई e ट्रैकिंग ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा तो आपको पेन और पेपर रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं अब फिर एक्सेल शीट होंगी उस पर सारा डेटा जो है वो रखा जाएगा लेकिन अभी जो आपका स्टाफ काम कर रहा है उस स्टाफ को ट्रेन करना वैसे ट्रेन करना इतना आसान काम नहीं होगा एक एज के बाद फिर चीज़ें सीखने की जो टेंडेंसी वो बहुत रिड्यूस हो जाती है जनरल नहीं बट कई लोग एक्सेप्शन होते हैं बट बहुत मुश्किल होता है कि आप नई चीज़ें सिखा के और वो प्रोएक्टिवनेस दिखे तो फिर नई जो जनरेशन होगी रिक्रूटमेंट की उनमें ये एक्सपेक्टेशन रह, रहेगा कि जो भी रिक्रूट हों चाहे वो मे क्लैरिकल ऑफिस क्लैरिकल लेवल पर काम करने की बात हो या हायर ऑफिशियल्स हों वो कम्फर्टेबल हों विद द यूज़ ऑफ़ डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब जो डिजिटल लिटरेसी है वो हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो एक्सल सीट्स और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो इस्तेमाल होंगी इसका आ, इसका अच्छे से तभी इस्तेमाल हो पाएगा अगर जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट जो पर्सनल हैं वो कंफर्टेबल है इनका यूज़ करने के लिए तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना अब यहाँ पे कहा गया कि जैसे अगर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट अगर इकोसिस्टम अप्रोच के लिए हाईलाइट कर रही है मतलब जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है या फिर जो फेज थ्री है उस पर हाईलाइट किया गया कि आ, ये हाईलाइट किया गया कि दे विल फॉलो अ इको सिस्टम अप्रोच तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान रखना है कि जैसे जो स्वामी केस है जिसमें प्राइवेसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने की बात की जा रही तो उस प्राइवेसी स्टैंडर्ड आ, को फॉलो किया जाए तो इस प्राइवेसी को, को लेकर उन्होंने बहुत आर्गूमेंट्स दिए हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि वो आर्गूमेंट्स ज़्यादातर ऐसे हैं कि आप आ, कह सकते हो कि उनको आप लिख नहीं सकते हो बट एक पॉइंट ये याद रखना क्योंकि जहाँ पे डेटा डेटा रहता है अब जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है आ, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वहाँ पर अगर किसी प्रिजनर के डेटा को एक्सेस करना है आ, पुलिस को कुछ डेटा एक्सेस करना है तो यहाँ पर एक ट्रस्ट तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा बट ये भी इंश्योर करना है कि जो डेटा रहे वो डेटा सिक्योर रहे ऐसा ना हो कि जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है उस सिस्टम से बहुत सारा डेटा आपका चला जाए तो यहाँ पर खासतौर से जो प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हैं उसको रिस्पेक्ट uh, करना है uh, जब आप इस इको सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है दिस इज रिलेटेड विद द इकोनॉमी टॉपिक G7 के ऊपर ये पहले भी हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में आई एम एक्सप्लेनिंग यू इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट भी किए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं uh, एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था दिस वॉज रिलेटेड विद बी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसे अगर आ, इंडिया है और मॉरिशस है आप सेचिलीज़ है अगर ये तीन कंट्रीज़ का अगर आप एग्जांपल लो तो क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी जो एम है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि एक कंपनी का एक जगह पे हेड क्वार्टर होगा सपोज़ करो एक कंपनी एम है उसका हेड क्वार्टर यू के अंदर है अब यू ने क्या किया यू में इसका हेड क्वार्टर है और उसने मॉरिशस के थ्रू इंडिया में जाके इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट करने के बाद उसे लगता है कि इंडियन अथॉरिटी जो कॉरपोरेट टैक्स इम्पोज कर रही है दूसरा जो टैक्स इम्पोज कर रही है वो हायर है तो अपने वो प्रॉफिट मान लो उसने बीस सौ रुपए अगर उसने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट करेगा ऐसी जगह पे प्रॉफिट शिफ्ट करेगा जहां पे उसे कम टैक्स देना पड़े तो उसने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के बाद उसने प्रॉफिट जनरेट किया उस प्रॉफिट को उसने कहीं और दिखाया जिससे उसे कम टैक्स पे करना पड़े तो अभी जो चेंजेस किए गए हैं जैसे यूएसए ने भी इस चीज़ को कहा गया था यू ने कहा कि जो एम uh, है उसमें जैसे इसका हेड क्वार्टर मान लो किसी एम का यू में है और यू को ये लगता है यू को ये लगता है कि जो इसकी इनकम है इस कंपनी की उसके हिसाब से इसने टैक्स पे नहीं किया तो एज ट्वेंटी वन परसेंट जो टैक्स है वो उस पर इंपोज किया जा सकता है ये ये एक के के रूप में काम करेगा। ये क्यों के रूप में में काम काम करेगा करेगा क्यों इससे जो जो कंपनीज है बड़ी बड़ी जो हैं वो ये सोच के काम नहीं करेंगी कि आ, कहां पर उसे टैक्स का फायदा हो रहा है वहां से वो अपना पैसा शो करे वो जिस कंट्री पर काम कर रही हैं वहीं पर वो अपने प्रॉफिट को शो करेंगी और उस देश के टैक्स को फॉलो करते हुए टैक्स रिजीम को फॉलो करते हुए टैक्स पे करेंगे अगर नहीं करेंगी तो फिर उन्हें पैसा तो देना ही है वो फिर अपने जो हेडक्वार्टर जहां पे है उनका वहां पे उनको पैसा दे देना पड़ेगा तो ये जी सेवन देश है जिसमें आप कह सकते हो जो एडवांस इकोनॉमी चैलेंजेस आपको ग्लोबलाइजेशन और कॉमर्स फैसिलिटी एमेजन है, Amazon का आपका कहीं और है और पूरे विश्व में ये काम कर रही है अब इंडिया में टैक्स रिजीम अलग होगा और जगह कहीं और होगा और इकोनॉमी का कंटिन्यूस बेसिस पर डिजिटाइजेशन हो रहा है इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं साथ में जो फोल्स उसका इस्तेमाल करके टैक्स इवेजन किया जा रहा है टैक्स इवेजन तो इसको अवॉइड करने के लिए एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स को फॉलो किया जाए और बेस इरोजन जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है इसको रोका जाए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप ओवरऑल देखो तो 2016 के अंदर uh, 11.5 ट्रिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट आपका होता है 11.5 ट्रिलियन इतना लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ वी कैन से जो भी टैक्स इविजन डिजिटल स्फीयर का इस्तेमाल करके किया गया था सो so, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है क्योंकि आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी या नई नई जो टेक्नोलॉजीज आपकी इमर्ज हो इससे ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बहुत स्टैब्लिश हुई है और साथ में यह भी है कि जो डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं वो प्रॉपरली टैक्स uh, नहीं हो रही हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो इस लूफोल का इस्तेमाल करके बहुत अधिक टैक्स इविजन भी कर रही हैं तो so, यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखा कंट्रीज़ आर कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ uh, अगर मेनली डेवलपिंग देश की अगर बात की जाए तो लगभग डॉलर टू फोटी बिलियन इन टैक्स रेवन्यू एनुअली इतना उनको एनुअली लॉस आपको देखने को मिलता है तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि वो अपना जो टैक्स बचा सकें अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर सके जहाँ पे उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े इस पर वो वर्क कर रहे हैं बट जो कदम उठाया गया है जी सेवन कंट्रीज़ के द्वारा ये हेल्प करेगा कि एक ये डिटरेंस के रूप में कार्य करे और जो कंपनीज हैं वो प्रॉपरली टैक्स पे करें इंडिया के कंटेक्सट में अगर देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स में इंडिया को लगभग डॉलर 10 बिलियन रेवेन्यू का हर साल लॉस होता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टैक्स एब्यूज ये बहुत ह्यूज अमाउंट है तो आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इकोनॉमी में इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी जाइंट्स आपके इमर्ज हो रहे हैं और ये ग्लोबल जो टैक्स सिस्टम है उस लोफोल का लोफोल का फ़ायदा उठा के टैक्स इविजन ना करें इस पर फोकस करना बहुत जरूरी क्योंकि इससे डेवलपिंग देश ज़्यादातर जो डेवलपिंग देश है उनको काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान भी होगा नेक्स्ट देखते हैं द मर्की स्पेस ऑफ सोशल ऑडियो एक ये नया कंसेप्ट है जैसे अगर आप व्हाट्सअप की बात करो आप अगर दूसरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो ये देखो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी हद तक वी कैन से एक नए नए चैलेंजेस सामने हमारे लेकर आ रहा है टेक्नोलॉजी के यूज़ के बेसिस पर नए नए चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं प्राइवेसी एक कंसर्न आपका होता है कई सारे दूसरे जैसे परसेप्शन बिल्डिंग पर जो फेक न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें दूसरे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं सोशल लेवल में बहुत से बदलाव हो रहे हैं वो एक अलग तरीके का चैलेंज मिल देखने को मिल रहा है नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो कि साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं बिकॉज ऑफ़ द ओवर यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया वो आपको देखने को मिल रही तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं अब क्या है जो कंपनीज है वो भी नए नए तरीके अपना रही जैसे व्हाट्सएप उस पर मैसेजिंग किया अब एक सोशल ऑडियो एक नया एक ऐप आया है आप इसको डाउनलोड मत करना ये ऐसा नहीं कि आज क्लास के बाद जाके इसको डाउनलोड ही करो तो यहाँ पे एक नया ऐप है क्लब हाउस नाम से क्लब हाउस नाम के जिसमें इसने एक नए फीचर को रखा है जिसमें जैसे अभी जैसे इंस्टाग्राम है तो उसमें आप पिक्चर ऐसा डालते हो क्लब हाउस में आप ऑडियो का इस्तेमाल करोगे ऑडियो के माध्यम से अपना मैसेज दोगे तो अब यहाँ पे कुछ नया सिस्टम होगा जिस वजह से ये पॉपुलर हो रहा है ऐसा नहीं होगा खाली बटन दबाया और आपने कुछ बोला और वो पोस्ट हो गया कुछ और भी सिस्टम जिसमें कहा गया कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक रूम बना लेते हैं फिर अलग अलग इशूज़ पर वो डिस्कशन करते हैं अब इसका कई सारी लेवल पर कैसे आप रेगुलेट करते हो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है टेक्स्ट मैसेजेस का रेगुलेशन आपको अलग तरीके से अभी तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि चलो टेक्स्ट मैसेजेस को रेगुलेट करें अब अगर टेक्स्ट मैसेजेस में कुछ आपने कीवर्ड्स डाल दिए कीवर्ड्स आपने डाल दिया तो उस टेक्स्ट वो जो, जो भी टेक्स्ट मैसेज है अगर वो कीवर्ड्स उस टेक्स्ट मैसेज में होंगे तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे लेकिन अगर आप ऑडियो के थ्रू मैसेज दे रहे हो तो वो किस तरीके से अगर वो भी इनक्रिप्टेड तो वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे उसका रेगुलेशन किस तरीके से करोगे ये एक नया चैलेंज बन सकता है प्राइवेसी के लिए भी एक नया चैलेंज बन सकता है तो ये जो क्लब हाउस है ये ऑडियो बेस्ड इंटरेक्शन ये जो ऑडियो बेस्ड इंटरेक्शन है ये फास्टर है रियल टाइम है और ख़ास तौर से ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटरेक्शन ऑडियो बेस्ड होगा इसको आप कैसे रेगुलेट करते हो ये भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है जैसे यूरोप के अंदर आपके पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ है बहुत ही स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ है यूरोप जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसे कहा जा सकता है सो इसमें कई सारे ऐसे रूल्स हैं उसका उसको ये वायलेट करता है जो सोशल ऑडियो है ये वायलेट करता है जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड आप दिस डिसोपेशनैलिटी एंड नेसेसिटी प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे ये सारी चीज़ें तो डेटा आप जैसे कई रूम्स ऐसे क्रिएट किए गए वो कोई भी पार्टिसिपेंट उस रूम का हिस्सा बन सकता है जैसे आप व्हाट्सअप uh, में ग्रुप बनाते हो इसमें रूम ऐसे बनते हैं और फिर uh, कुछ भी डिस्कस करना अलग अलग रूम्स का हिस्सा बन सकते हो ये सारी चीज़ें मतलब ये तो यूज़ करके ही सारा पता चलेगा लेकिन यूज नहीं करना है आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ये ध्यान में रखना है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिया स्टिल लैकर स्टंडे अब देखो हमारे देश में तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है प्रॉब्लम इन द सेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है डेटा प्रोटेक्शन लॉ अब जैसे आई रेगुलेशन इंपोज किया गया आई रेगुलेशन रूल्स लेकर आए गए बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया तो उसमें एक कंसर्न रेज होने लग गया अब यहां पे मान लो अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर भी आ जाएगा आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर भी आ जाएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे एक परसेप्शन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी कि ये लॉ सही नहीं है पहले लॉ लेकर आना जरूरी है अगर आप लॉ लेकर नहीं आओगे और वो जब इम्प्लीमेंट होगा जैसे आज आप लॉ लेकर आए फिर साल दो साल वो इंप्लीमेंट होगा फिर उसमें कुछ कमियां पता चलेंगी तब आप उसको इंप्रूव करोगे अब ऐसा नहीं कि आने से पहले ही क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है इससे देखो कंपनीज़ को भी इनको क्या है कि एक तरीके से परसेप्शन ऐसा बना के रखती हैं कि देखो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं बट कोई भी सोशल मीडिया जो कंपनीज बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो डिजिटल स्पेस का गलत इस्तेमाल ना करें फाइनली उस डिजिटल स्पेस से जो डेटा जनरेट करते हैं उससे बहुत ह्यूज अर्निंग वो करती हैं उनका मेन एम ये नहीं कि वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप बातचीत कर सको ऐसा उनका मेन एम उनका मेन एम ये है कि आ, जो आ, जो भी डेटा जनरेट होता है उस डेटा का वो इस्तेमाल करें और उस डेटा का इस्तेमाल करके वो प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करें रेवेन्यू जनरेट करें बिजनेस के थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करें ये मेजर एम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होता है इसमें एम ये नहीं है आपका कि आ, सिर्फ वो आपको इंट्रेक्शन के लिए करें वो तो एक फैसिलिटी है जो आपको मिल रही है जिस वजह से आप वहाँ जा रहे हो और आपका डेटा जनरेट हो रहा है जिसको कंपनीज़ आपका यूज़ कर रही हैं तो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा आपका जो डेटा जनरेट हो रहा है वो प्रोटेक्ट हो साथ में आपका कंसेंट हो यहाँ पे जो ट्रिकी कंसेंट का कंसेप्ट है साथ में ये भी कहा जाता है जैसे मान लो कंसेंट है अब अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें रहता ही है कि कंसेंट की बटन अगर आपने नहीं दबाया तो आप ऐप यूज़ ही नहीं कर सकते तो ये कोई कंसेंट नहीं है तो ये तो आपका ब्लैकमेलिंग हो गया कहने का मतलब यह है कि आप कई स्टूडेंट्स का या जैसे एक्सपर्ट्स भी दूसरे अगर आप देखो तो उनका ओपिनियन रहता है कि आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसमें चलो आपसे पूछ तो रहा है कंसेंट तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है कंसेंट तो आपके पास ऑप्शन ये होना चाहिए कि अगर भले आपने कंसेंट ना दबाए फिर भी आप उस ऐप को यूज़ कर सको कंसेंट तो डेटा शेयर करना या ना करना उसके लिए होना चाहिए लेकिन उस पर कंसेंट बटन दबा के डेटा जो भी यू है कि आप अलाउ करो अपने फ़ोन का ये यूज़ करना आप अलाउ करो अपने फ़ोन का वो यूज़ करना और आप अलाउ कर देते हो और फिर वो आपके डेटा को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कंसेंट जो है ये फोर्सफुल कंसेंट

चैलेंज भी आपके सामने लेकर आ सकता है तो ये कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखते हैं साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन अब इसमें देखो इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल इनसे रिलेटेड कुछ डेटा हेल्थ केयर के इन्होंने डाले हुए हैं तो वो हमारे काम के नहीं कुछ बेसिक आर्गूमेंट आपको ध्यान में रखना है साउथ एशिया एक एक इंपॉर्टेंट एरिया इंडिया भी उसका हिस्सा है सार्क जैसे ग्रुपिंग है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे, खास तौर से जैसे इंडिया के कंटेक्ट में डेटा आप यूज़ कर सकते हो द तो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ बीन ऑपरेटिंग हैज़ बीन ऑपरेटिंग एट अ पित, अफुल पॉइंट जीरो एट डॉक्टर्स पर वन थाउजेंड ये डेटा याद रखना है पॉइंट जीरो एट डॉक्टर पर वन थाउजेंड और जो स्टैंडर्ड है वी uh, जो डब्ल्यू एच ओ का स्टैंडर्ड है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए उससे भी काफ़ी कम है उसके अलावा इंडिया हैज ओनली हाफ अ बेड अवेलेबल फॉर एवरी 1000 पीपल ये भी uh, ध्यान में रखना है अब जैसे बेड है उसके अलावा डॉक्टर्स हैं और भी दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है और अलग अलग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सेसिबिलिटी है अफोर्डेबिलिटी है तो इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है ओवरऑल आपको जो अपना हेल्थ सेक्टर है उस पर खर्चा जो है उसको इंक्रीज़ करना जरूरी है ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना ज़रूरी है हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है सेंटर के द्वारा भी जो पॉलिसीज़ हैं विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वो लेकर आना बहुत जरूरी आपका हो जाता है अगर देखा जाए तो इवन इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है बाय द बिग थ्री ऑफ साउथ एशिया जैसे इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश है तो वो कंपेरेटिवली कम है डिफेंस में भी वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू द हेल्थ तो इंडियन गवर्नमेंट इन दिस ईयर बजट हाईलाइट इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस साल का बजट है उसमें हेल्थ और वेलबिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है बाय uh, वन परसेंट uh, तो ये ध्यान में रखना है अभी जो पैंडमिक है इस पैंडमिक ने इनको आगाह भी किया है uh, ये अवेयरनेस भी जनरेट हुई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वर्क किया जाए uh, जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको इंक्रीज किया जाए इस पर आपका फोकस करने की बात की गई है क्योंकि आगे जाके बहुत से चैलेंजेस आपके आएंगे नई वेव्स uh, जो आएगी या फिर जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं ये सब तरीके से नए नए वायरस नए नए बैक्टीरिया नए नए दूसरे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इसके लिए साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ साथ में कोऑपरेट कर सकती सार्क जैसे इंस्टीट्यूशन आपकी काफ़ी हद तक वीक से यहाँ पर रेलिवेंट हो सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं यू एस सीनेट पासिस ह्यूज इनोवेशन बिल तो यह इनोवेशन बिल पास किया गया ये इंपॉर्टेंट है आई के अंदर टॉपिक आपका बन सकता है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को लिंक करके टॉपिक भी आपके लिए फ्रेम हो सकता है अच्छा कौन सा टॉपिक किस पेपर से बिलोंग करता है स्टार्टिंग के थर्टी फाइव सेकेंड्स जो है उसी से रिलेटेड होते हैं तो आप जो पहली स्लाइड होती है इस सेशन की वो टॉपिक से रिलेटेड होती है और कौन सा टॉपिक किस से uh, पेपर के किस हिस्से से है वो हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में uh, uh, ये आपको ध्यान में आ, रखना है दूसरा पॉइंट आपको आ, जब भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हो तो उसके नोट्स जरूर से आप प्रिपेयर करो इस टॉपिक को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल जो ध्यान में हमें रखना है वो क्या है देखो क्या है कि आज के समय में जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अच्छा इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आज के समय में कोई भी एक कंपनी है किसी भी कंपनी का आप देख लो वो इकोनॉमी के अंदर इस समय जो पेंडेमिक का सिचुएशन है कौन सरवाइव कर रहा है जैसे मान लो आईटी कंपनीज़ है वो वर्क कर पा रही हैं उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम वो कार्य कर पा रही हैं ऐसी एजुकेशनल कंपनीज जिनके पास टेक्नोलॉजी का जो जिन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम कर पा वो जो है काम कर पा रही हैं तो यहाँ पर क्या है कि आज के समय में जो डिमांड है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो अभी का समय है ये एक डिजिटल रिवोल्यूशन का एरा है डिजिटल तो जो भी देश जो भी देश वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल करेगा वो कौन सा देश होगा वो ऐसा देश होगा जो जिसके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पर डोमिनेंस है जैसे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट इस पर जिन जिन देशों का डोमिनेंस होगा वो वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल करेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बात करते हो लाइक वी टॉक अबाउट कि हम uh, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं पेट्रोल डीजल बेस्ड उसकी जगह हम रीनबल सोर्स बेस्ड जो uh, गाड़ियाँ हैं वो खरीदें टेस्ला कहा जाता है कि आगे चल के कुछ साल मतलब आठ नौ दस साल के अंदर ये जो कंपनियाँ बहुत तेजी से ग्रो करेगी टेस्ला मतलब जो आपकी आ, मतलब से कि जो बैटरी बेस्ड गाड़ियां हैं उनका डिमांड बहुत बढ़ेगी तो ये क्या है ये टेक्नोलॉजी है जो नीड है उस नीड के समय जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका जो डिमांड है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा इसी तरीके से और बहुत सारे एरियाज़ में टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं इसलिए कहा जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का डिमांड है वो बढ़ेगा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ेगा और इसलिए जिसके पास नॉलेज और स्किल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आगे चल को उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है मतलब इन द सेंस कि वो कभी भी अनइम्प्रो ॉड नहीं रहेगा और उसका जो ग्रोथ है उसका डिमांड है ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास नॉलेज स्किल डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो काफ़ी तेजी से आ, उसकी भी ग्रोथ होगी तो ये जो कॉम्पिटिशन आज के समय में देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में जो होना है वो आपके टेक्नोलॉजिकल स्पेस में होगा डिजिटल स्पेस उसमें से एक हिस्सा है स्पेस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स चाइना ने इस पर बहुत कार्य किया है चाइना खुद का भी स्पेस स्टेशन बना रहा है कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज स्पेस स्टेशन हम लोगों ने स किया हुआ है। so, यहाँ पे क्या है, जैसे अलग अलग एरियाज में काम कर अपने बेस्ड प्रोडक्ट है उसने काफ़ी ज्यादा एम्फोसाइज किया फाइव टेक्नोलॉजी पर उसने ऑलरेडी उसकी जो कंपनी हुआ, 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 हुआवी करके जो उसकी कंपनी है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो उसके पास एक्सपर्टीज़ है तो यहाँ पे क्या है कि यूएसए पीछे ना रह जाए यूरोप पीछे न रह जाए तो इसलिए यूएसए ने यह बिल ले आया बिल के तहत उसने जैसे सेमी दूसरे जो एरिया हैं उनको उसने फोकस किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करें नए नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनोवेशन हम करें जिससे कि हम चाइना से पीछे न रह जाएं इन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए तो इस परपज़ के लिए ये इनोवेशन बिल यूएस के द्वारा अभी सीनेट ने पास किया दूसरा जो हाउस है उसको पास करना बट ये बिल पास होगा और बहुत सारा ह्यूज अमाउंट इसके लिए एलोकेट भी किया जा रहा है लगभग डॉलर वन बिलियन इंटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेनली क्या है कि जो काइंड ऑफ थ्रेट चाइना के द्वारा फेस किया जा रहा है उस पर उसको ध्यान में रखना तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन साइंटिफिक रिसर्च इस एरिया में जो पैसा है वो आपका एलोकेट किया गया है तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर की बात की जाए क्योंकि जो सेमी कंडक्टर उस पर चाइना पर बहुत निर्भर थे तो इससे जो उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो काफ़ी अफेक्ट आपकी हो रही तो ये ऐसी डिपेंडेंसी को रिड्यूस रे, करना शॉर्टेज को रिड्यूस करना तो ये इस इस इसलिए सेमी कंडक्टर को सेमीकंडक्टर uh, के एरिया में यूएसए ने कुछ पैसा फ़ंड आपका एलोकेट किया है इसके अलावा लगभग डॉलर फिफ्टी टू बिलियन फंडिंग प्रीवियसली अप्रूव्ड प्लान टू इंक्रीज़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इतना पैसा दिया लगभग इतना पैसा डॉलर वन बिलियन ओवर फाइव ईयर्स फॉर एक्टिविटीज़ एट नेशनल साइंस फाउंडेशन प्रायरटीज़ रिसर्च डेवलपमेंट अलग अलग एरियाज ए क्वांटम साइंस क्वांटम कंप्यूटर सब एरियाज़ पर काम करना तो ये ये आपका इनोवेशन बिल का मेन ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी फॉर पैडी पल्सेस एंड ऑयल सीड देखो जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इसमें देखो किसका कितना प्राइस है वो आपको इतना याद नहीं रहेगा कितने रुपए किलो है ये सब तो आपको याद नहीं रहेगा और इसको आपको ध्यान बस ये ध्यान में रखना है आगे डिस्कस भी करेंगे कुछ क्रॉप्स से उनके प्राइस को इंक्रीज किया गया इसमें दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि जब एम आप एक क्रॉप के लिए हाईक करते दो मान लो आपने एमएसपी राइस और व्हीट के लिए हाइक किया तो इट विल रिजल्ट इन टू वट वी कॉल इट एज मोनोकल्चर मोनोकल्चर का मतलब एक ही क्रॉप को बार बार आप ग्रो करोगे वो मोनोकल्चर होते इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है और एक ही क्रॉप आपकी ग्रो आप करते रहते हो तो सॉइल भी अफेक्ट होता है फिर आपको क्या रहता है अभी आपको पलसेस चाहिए पल्सेस की जरूरत है अब पल्सेस की जगह लोगों को क्योंकि एम एस पी एम एस पी क्या है राइस और वीट आ, राइस और वीट में हायर एम एस पी तो लोग राइस वीट ही ग्रो करेंगे जैसे पंजाब हरियाणा यूपी कई रीजन पे राइस वीट आपका ग्रो होता रहता है तो दूसरे क्रॉप्स को ग्रो नहीं करेंगे तो आपको नीड पल्सेस की है पल्सेस आपकी उसका प्रोडक्शन कम होगा सो कम होगा तो डिमांड तो हाई रहेगी डिमांड जब हायर रहेगी पलसेस रहे नहीं रहेंगे तो इट विल रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन और अगर एक ही तरीके की क्रॉप आप उगाते रहोगे तो व्हाट वी व्हाट वी फेस जैसे अभी फेस करना पड़ता है कि सरकार के पास राइस वीट राइस वीट मार्केट में जितना डिमांड नहीं है राइस वीट का उससे ज़्यादा राइस स्वीट आपके पास रखा हुआ है वो पूरा ख़राब होता रहेगा जो रिसोर्सेस हैं वो आपके अफेक्ट होते रहेंगे तो फार्म बिल में भी यही चेंज किए गए थे मेन एम क्या था एग्रीकल्चर डाइवर्सिफ़िकेशन अगर आप देखोगे एक जो कंसर्न रेज़ किया गया था फार्म बिल पे कि आ, मतलब जो एक एक परसेप्शन बिल्ड किया गया था कि ये कहा गया था कि एमएसपी हटा दी जाएगी तो साफ साफ ये कहा गया था कि एमएसपी आपकी नहीं हटेगी और अभी गवर्नमेंट ने एमएसपी आपका अनाउंस भी किया उस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बट आपको ये समझना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप अलग अलग क्रॉप्स की हायर रखते हो तो इससे इट विल हेल्प इन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफ़िकेशन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफ़िकेशन अब डाइट पैटर्न लोगों का बदल रहा है जो कंजम्पशन पैटर्न है वो लोगों का बदल रहा है वो सब लोग सब कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि राइस वीट ही सिर्फ आप ग्रो करो आपको एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है और इस एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आप कुछ क्रॉप्स को सिर्फ नहीं और भी क्रॉप्स में आपको हाइयर हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा पॉइंट है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे देखिए अलग अलग हाइक दिखाया गया है बट यहां पे आप देखो जैसे समम है नाइजर सीट है ग्राउंड नट है इनके इनमें जो एम एस पी है वो आपकी इंक्रीज़ की गई जो फार्मूला आपका मेनली फॉलो किया जाता है कि मान लो अगर आपका सौ रुपए कॉस्ट पड़ रहा है तो लगभग फिफ्ट सौ मतलब फिफ्टी परसेंट वन एंड हाफ टाइम्स आपको उसका एम एस पी रहेगा मतलब डेढ़ सौ आपका लगभग एम एस पी रहेगा तो कई सारे जैसे बाजरा में एट्टी फाइव परसेंट आज के समय दें बाजरा रागी अगर देखो लोग आजकल दलिया और ये सब बहुत खाते हैं आ, अलग अलग रागी के बिस्किट खाते हैं डायबिटिक पेशेंट है वो कुछ और अलग अलग उनमें रिकमेंडेशनस रहते हैं तो ये जो क्रॉप्स हैं इनका बहुत डिमांड पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं रहता था। तो पहले के टाइम पे इतना लोग नहीं खाते थे इस तरह की चीजें बट आज के समय में अगर देखोगे बाजरा रागी और भी कई सर, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं क्रॉप्स हैं उनका डिमांड बहुत बढ़ रहा है तो अगर फार्मर सिर्फ राइस व्हीट ग्रो करता रहेगा तो हमारे देश की जो नीड है डिमांड है वो कुछ और है फार्मर कुछ और ग्रो कर रहे हैं तो फार्मर भी नहीं कमा पाएंगे मतलब उनकी भी अर्निंग इतनी नहीं हो पाएगी और दूसरा यह है कि जो आ, मतलब आपको डिमांड मीट करने के लिए फिर कुछ और कहीं और से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी हायर होगा एक और भी पॉइंट है कि जब आप एमएसपी को हायर करोगे तो फार्मर को पैसा मिलेगा फार्मर के हाथ में ज़्यादा पैसा जब आएगा तो क्योंकि फार्मर आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसके इससे क्या होगा कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना तो एक तो एग्रीकल्चर तो डाइवर्सिफिकेशन और एक रूरल इकोमी को जो बूस्ट है अगर फार्मर के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो उसके हाथ में पैसा थो थोड़ा बहुत खर्चा करेगा खर्चा जब करेगा तो रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट आपको मिलेगा तो ये एक एंगल भी आपको ध्यान में रखना है अच्छा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो जी सी लिओग की किताब आपकी है तो इस पर जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अन अकेडमी के अंदर फ्री सेशन आई विल टेक तो आज चार बजे फोर पी एम को आपकी क्लास है पहली ठीक है फर्स्ट क्लास है आई एम वेरी मच होपफुल कि आपका पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा रहेगा अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक like बटन जरूर से तो प्रेस करें इस सेशन का जो लिंक है मैं आपसे शेयर कर लूंगा और ये क्लास आपकी फ्री होगी अगर आपसे कोड पूछे यूज़ द कोड एस पी एल आई वी अगेन आई एम स्टेटिंग ये फ्री क्लास है चार बजे आपकी ये क्लास होगी क्वेश्चन देख लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी इज नॉट रिसेंटली आपकी न्यूज में था सी इज नॉट रिसेंटली आपकी न्यूज में थी इट इज अ मैरीन अज दैट इज फाउंड व्हेन एलगीज आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंबाइंड विद इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट इज अ कलेक्शन ऑफ म्यूकस लाइक ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड इन द सी इट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन द पैसिफिक क्वेश्चन एंड हैज बीन स्प्रेडिंग इन फर्दर फ्लंग वाटर्स करेक्ट अब देखो सी इज नॉट ये न्यूज आपकी आई थी तो यहाँ पे टर्की प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मतलब उन्होंने प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के बारे में सी स्नॉट के बारे में बात की थी तो ये बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली जो देखने को मिलता है वो मेडिट्रेनियन सी रीजन में देखने को मिलता है ठीक है मेडिट्रेनियन सी रीजन में है तो इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा परेशान रहती है मेनली इसमें होता क्या है कि एल्गीज़ uh, जो हैं uh, उसमें दे आर ओवरलोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स और एज अ रिजल्ट मतलब वाटर पोल्यूशन गंदा पानी जब आपका वाटर बॉडी में जाएगा तो बहुत सारे न्यूट्रियट्स एड ऑन होंगे एल्गीज़ ग्रो तेजी से करेंगे और पॉल्यूशन uh, तो एक फैक्टर है ही साथ में क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर आपका बन जाता है और इट इज़ अ म्यूकस लाइक ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड इन द सी तो एक चिपचिपा सा ऑर्गेनिक मैटर पूरे समुद्र में आपका फैल जाता है तो इसे सीस नॉट कहा जाता है मेट्रेनियन सी में आपको देखने को मिलता है तो ये आपको याद रखना वट इज सीज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जिसपे आंसर जो होगा दैट इज uh, uh, आपका वन एंड टू स्टेटमेंट सही थर्ड स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट है सुपरसोनिक प्लेन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आर प्लेन्स दैट कैन फ्लाई दैट कैन फ्लाई फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड द कास्ट ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल सुपर सोनिक प्लेन्स आर एक्सट्रीमली हाई द वेरी स्पीड ऑफ द प्लेन रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग एक्सेसि अमाउंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट तो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं जैसे यूनाइटेड प्लान्स सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं तो supersonic aircrafts है तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो हैं या ऐसे प्लेन्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चल सकती हैं ठीक है तो जिसको बहुत जल्दी है तो वो इस प्लेन में जा सकता है बाद में द कास्ट ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल सुपरसोनिक मतलब आप जब ऐसी प्लेन बनाओगे हाई टेक्नोलॉजी प्लेन बनाओगे तो बहुत हाई भी रहेगा और वेरी वेरी स्पीड ऑफ द प्लेन रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन जैसे अगर आप देखोगे ऐसा बूम जैसे अगर कभी देखोगे ना एयरक्राफ्ट जब ट्रेवल तो बहुत तेजी से ऐसा आवाज आती काफी तेजी से तो वो वो भी है तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके uh, सही हैं क्वेश्चन देखते हैं आज का अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें व्हाट इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज़ ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है सो so, ये आप आ, कर सकते हो आ, आपको लिखना है इसका आंसर इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एस पी करंट अफेयर्स इसी में आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ पे आपको अपना आंसर पोस्ट करना है एस पी मतलब डेली डोज विथ एस डॉट पांडे ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको अपना आंसर को पोस्ट करना उसका लिंक इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा इस ग्रुप के नीचे दिया हुआ है ठीक है तो आप कर सकते हैं आप अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बने थर्टीन जून को है कोड पूछे यूज द कोड एसपीएल देखो अगर आप टॉप फिफ्टी रैंक में अगर आप आते हो तो बेस्ट पार्ट यह कि आप जो टॉप यूपीएससी मेंटर्स हैं उनके गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये तो इसमें ज़रूर से इस चैंपियनशिप पर का हिस्सा बनो आ, मेरे द्वारा जो कोर्सेस अभी आ रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल है आज आपके अनेडमी के अंदर फ्री क्लासेज जी सी लियोंग की जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कोड पूछे तो आप यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ एस आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक करें शेयर करें और लेट्स करें क्यू पी को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू Thank you everyone and let's crack it